लेकिन बाद अवकात बहुत सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं और रुकावट पैदा करती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे काम हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह आइंदा हम कोशिश करेंगे। एक तो अभी ये 2 साल का वफा गुजरा है, ये भी बहुत ख़राब रहा हमारे मदारिस के लिए, हमारे उलमा के लिए। अल्लाह ताला इन बलाओं से हम सब की हिफाजत फरमाए। ये असर के बाद एक नशस्त है, हालांकि मैंने मौलाना उमर साहब से गुजारिश की थी कि वो रहें तो ज़्यादा बेहतर है। हम समझते हैं कि तलबा हमारे उनसे इस्तेफादे के लिए मुश्ताक है, लेकिन उन्होंने माजरत की और कहा कि दूसरे काम है। इसलिए असर के बाद ग्रुप डिस्कशन होना है, इंशाल्लाह उसमें आप सबको मौका मिलेगा स्टेज पर आने का। और मैं ये कोशिश करूँगा कि हर एक को एक एक अनुमान दिया जाए ग्रुप को, और आपस में डिस्कशन कर लें और उसके बाद में स्टेज पर आकर उसके मुताबिक गुफ्तगू करें। दूसरी बात यह है कि सबका तआल्लुक होना है। असर की नमाज 5:05 पर रखी गई है। आप नमाज से फारिग होकर 5:15 में कोशिश करें कि यहाँ आ जाएँ, चाय यही सर्व हो जाएगी और आप जो है अपने काम में मशगूल हो जाएंगे। बस ये ऐलान है। 6:40 में फिर मगरिब की अजान है। इस दरमियान में तकरीबन 1 से 1.25 घंटा करीब हम लोग रहेंगे। साथ दरख्वास्त करेंगे ये दुआ फरमा कर और इंशाल्लाह दुआ के फौरन बाद अजान होगी और 2:40 पर इंशाल्लाह नमाज अदा की जाएगी। नमाज हॉल ऊपर है, वज़ू का इंतज़ाम नीचे भी है, ऊपर भी है और छत पर भी वज़ू का इंतज़ाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.